नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे भाषा माधुरी में दिए गए पाठ 16 अभ्यास का पूरक अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। बोप देव अमीर माँ बाप का बेटा था, बताइए कैसे माँ बाप का बेटा था, गरीब या अमीर? गरीब, तो हम यहां लिखेंगे नहीं। गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे, हाँ। बोप देव को पढ़ना अच्छा लगता था, नहीं। बोप देव गणित में बहुत होशियार था, नहीं। उसको गणित से क्या लगता था, डर लगता था। कुएं पर रस्सी के निशान थे, हाँ। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब हम इन शब्दों से वाक्य भी बनाएंगे, इनको हम कॉपी में करेंगे। प्रश्न वाक्य बनाइए। गुरुकुल, अब गुरुकुल से क्या वाक्य बनेगा? बोप देव गुरुकुल में रहता था। आप कुछ और भी बना सकते हैं, मैं गुरुकुल में रहता हूं। रस्सी, अब क्या बनाएंगे रस्सी से? मेरे पास एक मोटी रस्सी है, यह रस्सी लंबी है। हम कुछ भी बना सकते हैं। रस्सी मेरे पास एक मोटी रस्सी है। अभ्यास, मैं खेलने का अभ्यास करता हूं। और लड़कियां क्या लिखेंगी? करती हूं। पत्थर, मेरे पास एक मोटा पत्थर है। सहमा सहमा, बोप देव सहमा सहमा रहता था। अब आप इस प्रश्न को अपनी कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और अपनी किताब में भी इस काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद।